हाँ बोलो पापा। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? पहले ये बताइए, आपने क्या समझ रखा है बताइए। आज खेती की हालत बहुत खराब है। सरकार मदद करना भी चाहती है तो अधिकारियों की वजह से उनकी मदद हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है बेटा। पिताजी की छोड़ी खेती मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद तुम करोगे, यही सोचकर मैंने तुम्हें कृषि की पढ़ाई कराई, लेकिन तुम तो आवारागर्दी कर रहे हो। मैंने खेती करने के लिए कब मना किया है? लेकिन जिस तरह आप चाहते हैं मैं वैसे नहीं कर सकता। मुझे करने तो दीजिए, मैं अपने तरीके से खेती करूंगा। पापा जैसे भैया करना चाहते हैं वैसे करने दीजिए। वो सब नहीं चलेगा, देख लिया ना, हमेशा ऐसे ही करते हैं। बेटा ये सब तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा, जब मैं नहीं रहूंगा तब समझोगे। वो जब होगा तब देखा जाएगा। ए सुन, तू यहाँ पर आया, चार दिन रहा, अब जाके अपना काम देख, जा। तू चल रहा है कि मैं जाऊं? बार बार एक ही बात दोहराते रहते हैं। अच्छा पापा मैं चलता हूँ। जहाँ जाना है जाओ, वापस यहीं आना होगा, पैसों के लिए दीवाने हो रहे हैं। संभाल के दांत टूट जाएगा। ए पहले तू पी ले, ये ले। अच्छा भाई अब जल्दी से बता दो कि बात क्या है। बता बता जल्दी बता। देखो भाई सब लोग ध्यान से सुनो, जो नहीं सुनेगा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ बोलना, बकवास करना बंद कर, जो बोलना है बोल। तू सुन रहा है ना? तू भी सुन रहा है ना? एक आदमी मेरी ऑटो में बैठा, जोर से बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, पलट कर देखा तो आदमी गायब, वहाँ से बैग पड़ा था। मैंने उसे खोल कर देखा तो टेन टेन टेन। क्या देखा? बैग में बम था क्या? खोल कर देखा तो क्या देखा? पैसे थे, चोरी के थे, काले पीले थे, हमसे क्या? बताओ सही कह रहा हो ना? है अब ये बताओ कि मैंने क्या किया होगा? अरे तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी आखिर क्या कर सकता है? क्या किया है? है, सही सवाल पूछा। ईमानदारी से ले जाकर पुलिस थाने में सौंप दिया मैंने उसे। इनाम के तौर पर 2,000 रुपए दिए और साथ में ये सर्टिफिकेट भी दिया। देखो देखो, अरे अच्छी तरह से देखो ना। तो उन्होंने तुम्हें क्या दिया? 2,000 रुपए इनाम और सर्टिफिकेट। देखो देखो। अच्छा देखो देखो देखो, ये सर्टिफिकेट क्या औकात है इसकी? 2,00,000 रुपए देकर उसके बदले में 2,000 ले आया। अरे 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 अरे, तुम सब मुझे पिटता हुआ देख रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ नहीं हुआ। तुम लोग ने पार्टी रखी है, मेरी गलती थी, जा रहा हूं। देखा, शहर में काम करते हैं फिर भी अपने दोस्त से मिलने अक्सर गांव आ जाते हैं। हाँ पिछले हफ्ते ही आए थे, बहुत गहरी दोस्ती इनकी। कुछ खास वजह से तो नहीं आए? नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं होगी, वो शायद गांव में घर बनाना हो गए ने। ऐसा है क्या? ऐसी बात है कामराज? कामराज अरे उठना। अरे आओ शंभू, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? उस दिन मैं जमीन देखने आया था ना यहाँ, वो जमीन जो है ठीक नहीं है। तुम्हारे पास भी तो एक जमीन है ना, तो सोचा तुमसे भी पूछ लेता हूँ, अगर तुम हाँ कहोगे तो फौरन पक्का कर लेंगे। जमीन बेचना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए जमीन? मेरा बेटा यहाँ इस गांव में वाटर प्लांट लगाना चाहता है, तुम्हारी जमीन में बहुत सारा पानी है ना, तो वहाँ लगाएंगे तो अच्छा होगा। तो इसका मतलब कि हमारे ही गांव के पानी को हमारे ही लोगों को बेचना चाहते हो, सही कहा ना? इसी को तो व्यापार कहते हैं। इसका मतलब तुम मित्र की तरह नहीं व्यापारी की तरह आए हो। कैसी बात कर रहे हो यार? तो कैसे बात करूं? अगर खेती करना चाहते हो तो 1 एकड़ जमीन मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन अगर तुम व्यापार करना चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये क्या कामराज, तो ऐसी कैसी बात कर रहा है? निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास जमीन है इसलिए तो मैं पूछने आया यहाँ पर, नहीं बेचना है तो मत बेच। मालिक पूरे गांव में आपके जैसा रौबदार कोई आदमी नहीं है। मैंने आपसे कुछ मांगा था। क्या? थोड़ा कर्जा चाहिए था। तूने पहले ही पूरे गांव में कर्जा ले लिया है और मैं भी तुम्हें दूं? मालिक मैं चाहता हूँ आप जो मुझे पैसे देंगे उससे सबका कर्जा चुका के सिर्फ आपका ही कर्जा रहे।
मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। क्या हा? अच्छा एक काम करो, तुम अपनी दुकान मेरे नाम कर दो, 10% ब्याज है, हर महीने सही से ब्याज देना, मंजूर है तो बोलो। 10% ब्याज कहा आपने? 10% ही तो है, इतना उछल क्यों गए? मालिक थोड़ा तो कम कर दो ना। चल जा 8%, थोड़ा सा और कम करो ना, इससे कम नहीं होगा। अच्छे से सोच लो उसके बाद बोलना। दाढ़ी बनाने का काम है तो दाढ़ी बनाना। भाई के गले पर छुरी रखकर पैसे वगैरह मांग रहा है क्या तू? हाँ अबे अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है। ए, जाना अपना काम करना। अबे जा रहे, चल भाग यहाँ से, मालिक को भड़का रहा है तू। हाँ मालिक आप बताइए ना कितना। अच्छा चलो 5% दे देना, लेकिन किसी को बताना मत। मालिक इसमें बताने वाली कौन सी बात है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मालिक एक बात बताइए, वो पैसे कब देंगे, अभी देंगे या बाद में? ए, पहले जाकर कागजात लेकर आ, फिर बात करेंगे। मालिक शेविंग के तो पैसे दे दो। ब्याज 5% कर दिया और तू 100 रुपए मांग रहा है? आज के बाद शेविंग के पैसे नहीं मिलेंगे। मालिक शराब पीने के भी पैसे नहीं है, कैसा आदमी है ये? अरे यार इसने तो अभी पैसे दिए ही नहीं, पहले से ही ब्याज काट लिया, इससे तो भगवान ही बचाए। मैंने बात की थी लेकिन वो जमीन नहीं दे रहा। ये क्या कह रहे हो? मैंने आपके कहने पे ही इस होल्डिंग वाली कंपनी को जवाब दे दिया था। आप बताओ क्या करूं, तुमसे होगा या नहीं होगा इस बात को क्लियर करो। मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें सौंप दिया। उसके पास लोग भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो एक साधारण सा किसान है और उससे तुम एक कुआं नहीं ले पा रहे हो। देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो। भैया वो हमारे गाँव का है, कितनी बार मांगने पर भी मना कर रहा है। गाँव का आदमी है, नहीं मान रहा, कितनी आसानी से कह दिया। एक काम करो, उसे ज्यादा पैसे की लालच दो, अपने आप मान जाएगा। देखो तुम उसे कैसे भी मना लो, उसके बाद हम बहुत जल्दी वहाँ पर फैक्ट्री बना लेंगे। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। तुम ये बात बहुत बार बोल चुके हो, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम उस किसान को इतना तंग करो, इतना परेशान करो कि जमीन खुद बेच दे। दूसरी जमीन देखूं क्या मैं, आप बताइए। कोई जरूरत नहीं है, वो जमीन चाहिए तो मुझे चाहिए, क्योंकि उस जमीन में कुआं है। एक बात ध्यान से सुन लो, उस किसान से उसकी जमीन लेना मतलब उसकी जान लेना। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी कोल्ड ड्रिंक अगले साल बाजार में आनी चाहिए। नई कोल्ड ड्रिंक है क्या? नहीं पुरानी है, अपने यहाँ तो वो बंद करो ये बंद करो करके धरना देते रहते हैं लोग, इसीलिए दूसरे गांव में वही कंपनी दूसरे नाम से शुरू कर रहे हैं। उन्हें जो करना है करने दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें अपना कमीशन चाहिए ना। शराफत में कमाने की सोचेंगे तो गरीबी में जिंदगी बितानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, तब तक अपना काम पूरा कर दो और काम होने के बाद मुझे कॉल करना, समझ गए ना? चलो अभी मैं चलता हूँ, ठीक है।